रजत कौर, वेलकम टू HJ न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। आप देख रहे हैं HJ न्यूज। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट 2019, इन 6 सितारों का पॉलिटिकल डेब्यू हिट होंगे या फ्लॉप। लोकसभा इलेक्शन 2019 बेताबी से फिल्मी पर्दे पर डेब्यू करने वाले सनी देओल का पॉलिटेक्निकल डेब्यू है। सनी गुरदासपुर से चुनावी मैदान में हैं और आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास होता है। किसी न किसी सितारे का चमकता होता है यहाँ पर, भाग्य किसी का बुझता है, मगर कुछ सितारों के लिए आज का दिन गुरुवार बहुत खास हुआ क्योंकि ये गुरुवार तय करेगा कि लोकसभा चुनाव 2019 में कूदने वाले फिल्मी सितारे हिट होंगे या फ्लॉप। लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू होकर रुझान आ गए हैं। एक बार फिर कई इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कुछ ने पॉलिटिकल डेब्यू किया है। इन डेब्यू स्टंट में सबसे महत्वपूर्ण नाम सनी देओल का है, जो पंजाब की गुरदासपुर सीट से BJP टिकट पर उतरे हैं। बेताब से फिल्म पर्दे पर डेब्यू करने वाले सनी का ये पॉलिटिकल डेब्यू है। इससे पहले वो चुनावों के लिए प्रचार करते रहे हैं मगर खुद पहली बार चुनाव में कूदे हैं। सनी का पॉलिटिकल डेब्यू पूर्व नियोजित नहीं था। उन्हें लोकसभा चुनावों के बीचों बीच BJP में गुरदासपुर से चुनाव लड़ने के लिए मनाया गया। सनी के पिता धर्मेंद्र बीकानेर से सांसद रह चुके हैं और हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं, जो उनके स्टेप मॉम हैं। सनी और हेमा मालिनी की जीत तेजी से हो रही है। वहीं दूसरा डेब्यू उर्मिला मातोंडकर का है, लेकिन वो मुंबई नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर वे हार रही हैं। एक लंबी पारी उन्होंने बॉलीवुड में खेली है। सत्या जैसी फिल्मों से उन्होंने सफर तय किया। उर्मिला के समर्थन में शवाना आजमी ने रैली की थी। इस चुनाव का तीसरा और अहम डेब्यू प्रकाश राज का है, जो बैंगलोर सेंट्रल से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वे एक बेहतरीन एक्टर हैं, बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अदाकारी का दम दिखा चुके हैं। वांटेड, दबंग 2, सिंघम जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। ज्वलंत मुद्दों पर मुखर रहे हैं। हालांकि चुनाव में अपनी हार महसूस होने के बाद प्रकाश राज ने ट्वीट करके कहा, आगे कड़ा संघर्ष है, मेरे मुंह पर करारा तमाचा, ज्यादा गालियां, ट्रोल और अपमान मिलेगा, मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा, धर्मनिरपेक्ष देश के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी, मुश्किलों का सफर अभी शुरू हुआ है, जो मेरे साथ हैं उनका शुक्रिया, जय हिंद। तो कैसी लगी ये खबर बताइए। भोजपुरी नेता दिनेश निरहुआ भी BJP से आजमगढ़ में उतरे हैं चुनाव में। हालांकि BJP से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव से वो पीछे चल रहे थे। पश्चिम बंगाल से मिमी चक्रवर्ती ने भी अपना डेब्यू किया है और नुसरत जहां बंगाली सिनेमा की लोकप्रिय अदाकारा है, उन्होंने भी TMC ज्वाइन करके पॉलिटिकल में डेब्यू किया है। तो देखना यह है कि कौन हिट होता है और कौन फ्लॉप। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।